हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम यानी अपना बैक का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। तो उनके के लिए क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, करीबन 40+ क्वेश्चन आपके होंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली श्योर आप फिजिक्स के एग्ज़ाम में आराम से पास हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए, इसमें वन नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, पर मैंने वन नंबर के क्वेश्चन इसमें डाले नहीं हैं, सभी बड़े क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको बड़े क्वेश्चन लिखने की प्रिपरेशन हो जाए, ताकि आपका स्कोर अच्छा बन जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले मैं बात करूँगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट डू यू ब्रूस्टर लॉ, ठीक है। सेकंड, मैं खाली क्वेश्चन को बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपको, फिर बाद में मतलब ये सर आपको एक्सप्लेन भी कर दीजिए। अभी सर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी 4-5 दिन है, आप आराम से इनको तैयार कर सकते हैं। रिड्यूस फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड, एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल एंड रिड्यूस स्नेल्स लॉ। एक्सप्लेन बायो सेवार्ड लॉ विद द हेल्प ऑफ फाइंड एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन इट्स एक्सियल लाइन। इसको आप कंप्लीटली कर लेंगे। डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। स्टेट गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड रिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट नियर इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एस्टेब्लिश्ड एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड विथ करंट डेंसिटी। एक्सप्लेन वॉटलेस करंट विद एग्जाम्पल। स्टेट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। राइट, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज इन डायरेक्ट करंट। एक्सप्लेन, हालांकि ट्रांसफार्मर वाला आप मत पढ़िएगा, इसे मत पढ़िएगा, वैसे आता नहीं है इतना, आप देख लेना आपकी चॉइस है। एक्सप्लेन मैटर वेव एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। राइट द कंक्लूजन ऑफ डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड राइट इट्स यूनिट एंड डायरेक्शन। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर अ सोलेनोइड। इन एन एसी सर्किट इंडक्टेंस एल्स कैपेसिटेंस सी एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड इन सीरीज। फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर इम्पिडेंस जेड ऑफ सर्किट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्यू कूलम्ब चार्ज इन गिवन अप टू कैपेसिटर सी फेरेड ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट। व्हाट इज फोटोडायोड। Draw circuit diagram for PN junction diode only in forward bias. Draw characteristics curve between VI for both forward bias and reverse bias. Give Coulomb's law about the force between two point charges. Drive an expression for energy stored in a parallel plate capacitor. Drive the expression for electric field intensity at a point on equatorial plane due to electric dipole. What do you understand by current density? State and prove Ampere's circuital law. Establish a relation between peak value and root mean value. Alternating current. Find an expression for magnetic dipole movement of a revolving electron in an atom. Next question ki taraf padhenge. What is meant by electric flux? State the Gauss's law in electrostatics. What do you understand by interference of light waves? Write down two properties of electric field lines. What do you understand by mutual induction? Generally, mirage is observed desert. Give reason for this. What is mean by inductive reactance and capacitance XL in AC circuit? Clarify. What do you understand by work function of metal? Describe Einstein photoelectric equation. What do you understand by permanent magnet and electromagnet? Give uses of electromagnet. What is self-induction? Clarify the meaning of self-inductance of a coil. Write an expression for the
इम्पीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट इन विच कंडीशन दिस इम्पीडेंस इज मिनिमम. वट आर शॉर्ट साइटनेस एंड लॉन्ग साइटनेस गिव देयर रेमेडी. फाइंड टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. डिफाइन 1 एम्पियर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर. हाउ एनर्जी बैंड आर फॉर्मड इन सोलेनोइड. राइट द नेम एनी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ दिस वेव. व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई. ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली अगर तैयार कर लेते हैं तो गारंटेड आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे. ठीक है, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें बन जाएगा. 70 में से 23 आप आसानी से ले आएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी. ठीक है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और अगर इन क्वेश्चनों को आप प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको लिखने की हैबिट हो जाएगी और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आएगा तो आप उसमें भी कुछ ना कुछ लिख दोगे. आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे आपने प्रिपेयर करना है. प्लीज़ इनकी तैयारी आप बढ़िया से बढ़िया करके कर लीजिए ताकि आप जो कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं उसमें अच्छे नंबरों से आप पास हो जाए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ. किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.